किसको इशारा कर रहा था बे? इधर आ, किसे इशारा कर रहा था? सोहम, इसे जाने दे, मुझे नहीं करा था इशारा। सॉरी बोल इसे। अरे सॉरी बोल, सॉरी, माफ कर दे बहन। बोल आई एम सॉरी बहन। सॉरी बहन, हम माफ कर दो। ले, ये था 49th। फिर इसके बाद एक और लड़का और मेरे दोनों भाइयों की हाफ सेंचुरी पूरी हो जानी है। मतलब हर दिन कॉलेज में इतने भाई बन रहे हैं कि मेरे लिए तो हर दिन रक्षाबंधन हो गया। सॉरी बहन, माफ कर दो। सॉरी बहन, माफ कर दो। हाँ ठीक है, माफ किया, जाओ। एक तो इतना तैयार शहर होके आती हूँ और मेरे भाई, मतलब मुझ जैसी क्यूट बंदी को हर लड़के की बहन जी बनाने पर तुले। ओए, सुन लो सब के सब, किसी ने अगर मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, आंखें खींच के जीप के हेडलाइट पे लगा दूंगा मैं। क्या देख रहे हैं बे? क्या देख रहे हैं? रोहन, सोहम, की अभी की अभी अपनी क्लासेस के अंदर जाओ। I said right now. Sorry, Sindhu. Class नहीं है मेरा अभी। बेवकूफ मत बना सोहम। दो साल जूनियर है तू मुझसे। तेरे क्लास के टाइमिंग स्केड्यूल सब जानता हूँ। चल अब हीर को उसके क्लास तक छोड़ कर आते। जो मारपीट करने से अच्छा है तू उसके पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे। सबसे छोटी है। क्या हो गया यार तेरे को? यार ये हीर कितनी हॉट लगती है ना, लेकिन इसके बॉडीगार्ड भाई यार गर्लफ्रेंड तो दूर, फ्रेंडशिप भी नहीं करने दे। हाँ यार, कभी कभी तो लगता है कि मर जात पे ही लानत है। काश कोई होता जो डेयरिंग दिखाता। हाँ यार, कोई जिगर वाला ही चाहिए इस काम के लिए। ओए बाय गॉड की कसम, जो हीर को प्रपोज करेगा ना उसे मेरी तरफ से 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। पचास नहीं, 75,000। तो फिर है शर्त मंजूर? 50 नहीं 75,000। हाँ बोल दे बंटी, और 5,000 मेरे भी लगे। हाँ वैसे भी ये कौन सा जीतने वाला है, एक काम कर तू मेरे भी 6,000 लगा दे। बाकी के पैसे भी मेरी तरफ से लग गए। डील डन। डन। वो देख, वो आ रही है गुलाबी दुपट्टे में। क्या प्रपोज करके दिखा? क्या हुआ?
बॉडीगार्ड देख के डर गया। इन्हीं दोनों बंदों ने पूरे कॉलेज के बंदों को पीट रखा है। भाई ये ना सिर्फ बातें कर सकता है, उन्हें देख के इसकी ना हवा टाइट हो गई है। इससे कुछ नहीं होना, कहीं नहीं जा रहा 75,000। ओ इसे क्या हो गया? ओ विराट! अबे कुछ नहीं यार, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, पता है? उन्हें देख के ना इसकी भी हवा टाइट हो गई है। चल आ जा यार, छोड़ आ जा। अरे गुलाबी दुपट्टे वाली, अपना नाम तो बता। इसका नाम हीर है, तू अपना काम तो बता। हीर, मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। आई लव यू हीर, आई लव यू हीर। अच्छा जी, तो ये प्यार कब और कैसे हुआ? अपनी प्रेम कहानी तो सुना। ओए बंटी, 75,000 रुपए तैयार रख। और अपने नमूनों को बोल कि बात प्रपोज करने की हुई थी, प्रेम कहानी सुनाने की नहीं। हाँ ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? विराट। पूरा नाम? विराट सिंह। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन से ऐसा कुछ कह रही थी? ओए, तेरे को सॉरी बोल। अभी क्या अभी? बोल, I'm sorry बहन, बोल। बहन होगी तेरी। दिल में जो आया बोल दिया।
सुन भाई, तूने जो बोला ना वो बहुत गलत बोला, इसलिए अभी के अभी सॉरी बोल दे हीर को। जा नहीं बोलता। हिम्मत कैसे हुई तेरी? सोहम तो बेहोश हो गया, जल्दी से हॉस्पिटल कॉल करो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ये क्या हुआ इसको? मैम, सोहम ने विराट को ऊपर से फेंक दिया और वो गिरकर बेहोश हो गया। व्हाट? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल फोन करो। पहला लड़का देखा जो सोहम की मार खा के भी मुझे बहन नहीं बोला। हे माता रानी, उससे ज्यादा चोट ना आई हो, प्लीज उसे संभाल के रखना। हेलो दाई जी, आज कॉलेज में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है, हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं। और जिस लड़के को सोहम ने छत से धक्का दिया था, वो लड़का बीएसपी संत बख्श सिंह के परिवार का है। उसके फादर बीएसपी और इंस्पेक्टर दलजीत सिंह उनका बड़ा बेटा और विराट का बड़ा भाई है। सोहम ने किसी पुलिस वाले के बेटे को छत से फेंक दिया है। हाय हाय, कल ही पाठ पढ़ाया, आज ही बह गया। ए जीओ मेरे शेर, फक्र हो रहा है मेनू आज। हाय हाय, आपको फक्र हो रहा है, मेनू फिक्र हो रही है। हॉस्पिटल जाकर देखिए ना। अस्पताल ठीक है, तू कह नहीं, मैं चला जाना है। तू कोई नहीं, गल सुन तू भी चल, उसका मामला होगा, केस भेज होएगा तो फिर तू भी जरा। कुछ नहीं कर सकते मेरे बिना, चलो। नहीं, तो तू ही है वो लड़का जिसने कॉलेज की छत से मेरे भाई को धक्का मारा? हां मैं हूं। तो सर, हीर हमारी बहन है और कोई उसके साथ बदतमीजी करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। क्यों, ऐसा क्या कर दिया विराट ने? कॉलेज में गला फाड़ के छत पर चढ़ के आई लव यू हीर कह रहा था। अच्छा, तो तू है वो लड़की, 2.5 किलो पाउडर और 100 ग्राम लिपस्टिक लगा के कॉलेज में घूमेगी, अच्छे और अमीर लड़के देखेगी, उन पे डोरे डालेगी, तो वो तुम्हें छेड़ेंगे ही ना। इनकी इस बात का जवाब इन्हें मैं ही दूंगी। अच्छा जी, तो आपकी प्रॉब्लम मेकअप है, लड़की 2.5 किलो की जगह 4 किलो पाउडर लगाए या फिर 100 ग्राम की जगह 1 किलो लिपस्टिक, ये उसकी मर्जी है, इसमें आपका क्या जाता है? लड़की का सुंदर दिखना उसका हक है, तो आप ना अपने भाई की आंखें संभालो, लड़कियों को मत बताओ कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। ये छोड़ने जाने देना। क्यों छोड़ दूं बुआ? इनफैक्ट इनको और इनके भाई को ही नहीं, पूरे समाज को ये बात समझनी होगी कि लड़कियों का सजना सवरना, अच्छे कपड़े पहनना, उनका मुस्कुराना हंसना, किसी से प्यार से बात कर लेना, लड़कों के लिए इन्विटेशन नहीं होता। और अगर ये बात आपको उकसाती है ना, तो आप जाकर अपना मानसिक इलाज करवाइए। भाई तो भी आप हॉस्पिटल में ही हैं इस वक्त। हाँ, और एक और बात, वो मेरी प्रीतो है ना दादी, वो हमेशा कहती हैं कि सिर्फ लड़कियों को तहजीब नहीं, लड़कों को भी तमीज सीखनी होती है कि किसके साथ किस तरह पेश आना है। लेकिन बुआ, शायद इनको और इनके भाई को इनके खानदान वालों ने ये सब नहीं सिखाया। ए लड़की,
तू बहुत ज्यादा बोल रही है। तू है कौन और तू वैसे कौन से खानदान से है बोल? आरक सिंह के खानदान से है। ओए दादी का नाम प्रीतो कौर सिंह, इसके बाप का नाम हरमन सिंह। चिट्टी कोठी चंगला वाला शिवाला मजीत मंडी गुरदासपुर, एक घर के नाल एक खूह भी है, कुआं जाके चेक कर ला। और कुछ जानना है सिपाही? सिपाही नहीं, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर दलजीत सिंह। इंस्पेक्टर हो या डीसीपी हो एसीपी हो, कुछ मैनू नहीं कोई फर्क पैंदा। गलती तेरे भरा ने की सी ते सजा मिलनी चाहिए। और क्या कहा आपने? हीर अच्छे और अमीर लड़कों को फंसाने के लिए कॉलेज आती, तो एक काम करना बेटा जी, गुरदासपुर की किसी भी गली में खड़े होकर अरक सिंह जी का नाम ले लेना। हमारी औकात और हैसियत दोनों पता चल जानी। और तू भी तो बता तेरा खानदान कौन सा है? है? पिता का नाम संत बख्श सिंह, माँ का नाम परमीत संत बख्श सिंह। खाकी और हमारे खानदान का बहुत गहरा रिश्ता, तभी तो पंजाब पुलिस की हर पोस्ट पर हमारे खानदान का एक बंदा है। तो परमीत जी, कानून की नौकरी से पहले अपने परिवार को अच्छी परवरिश और सोच भी दे देती? उनको मैंने परवरिश में प्यार और सोच में सच्चाई दी। मेरा बेटा जो आईसीयू में, एक बार उसका बयान आने, फिर जेल की सलाखें और दीवारें तुम्हारी अकड़ से कितनी सख्त है ये पता चल जाएगा।